भीड़ देख रहे हो ना यार, कितनी ज्यादा है यहाँ पे। जो लोकेशन में आज हम लोग आए हैं ना, वो लुधियाना की ना मोस्ट हाईएस्ट डिमांडिंग लोकेशन है, जो फेमस अपने छोले भटूरों के लिए। गिल रोड पे ये लोकेशन है गाइस। यहाँ पे लोग आके खाना तो पसंद करते ही करते, उससे ज्यादा लोग यहाँ पे ना गाइस घर पे बैठ के ना आराम से खाना पसंद करते। आई मीन यार, यहाँ पे जोमेटो स्विगी में भी इतनी ज्यादा हाई डिमांड है ना, ऑर्डर पे ऑर्डर लोग ना लेने आई जा रहे, देख सकते हो आप लोग भी गाइस। ज्यादा देरी ना करते गाइस, दिखाते हैं आप लोगों को भटूरा और अमृतसरी नान की मेकिंग, करते हैं उसको टेस्ट। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो का करना लाइक। चलिए अब चलते हैं हम अंदर। गाइस आप लोग देख रहे हैं, ये इनका भटूरे का डो, जिसे गर्मा गर्म भटूरे जो है ना प्रिपेयर होते हैं और लोग बड़े चाव से खाते हैं। यार ये जो डो है ना, बेसिकली ये एक घंटे में जो है ना सारा का सारा खत्म हो जाएगा। डिमांड ही बड़ी है यार न्यू दिल्ली छोले भटूरे वालों की। लुधियाना जैन सर ना लसन ना प्याज ना कुछ होएगा, ठीक है। साढ़े दुकान पर सिर्फ दो तरह के चने बनते हैं, ठीक है। एक भटूरे छोले के चने बनते हैं जो च लसन प्याज वगैरह सारा कुछ ऐड ऑन होंगे, तो एक जेडे छोले साढ़े अमृतसरी कुलचे वगैरह ना असं दिने हैं, वो कोई लसन कोई प्याज की वेस्ट नहीं होंगी, ठीक है जी। ये सिर्फ हर परसन खा सकता है, ये लाइट भी होंगे, बच्चा भी खा सकता है, बुजुर्ग भी खा, हर इंसान खा सकता है। भी जे जैनी परसन या कोई विदाउट लसन प्याज खाता नहीं खाता है, उन्होंने असं रेकमेंड नहीं करते है। अगर कोई खाना चाहता है तो बेशक ले सकता है। ये भी असं प्याज नॉर्मल नहीं पाते है, जो अपने पुराने जमाने लोग लंबे लंबे प्याज वाले लंबे वो लेंदे होंगे थे, भूंक वाले प्याज लंबे होंगे थे, स्प्रिंग ऑनियन, ठीक है, उन्होंने ही यूज करते हैं बेसिकली असी। गाइस यूनिक कॉन्सेप्ट लगा यार, ये चने भटूरे के साथ में चने तो सर्व करते हैं, साथ में पालक भी लोग सर्व करते हैं। अरे वालू कद्दी कंसिस्टेंसी यार, ये एज पर रिक्वायरमेंट जो है ना उसकी ग्रेवी को ऐड कर करके सर्व करते रहते हैं, और साथ में इनके जो है ना ये मसाले वाले आलू। गाइस हमारे भटूरे छोले की प्लेट तो आ चुकी है, देख सकते हो आप लोग कितना बढ़िया भटूरा है यार, एकदम गर्मा गर्म फूला फूला। लेते हैं बढ़िया सी बाइट यार, ये इनके चने, ऊपर से लेते हैं प्याज, करते हैं इसको टेस्ट। मेरे को बस एक वर्ड याद आ रहा है, वो है वाह। सच बताऊं बिकॉज जो इनके चने हैं ना सो फ्लेवरफुल है, बेस्ट थिंग इज तड़का लगाया हुआ प्रॉपर, टमाटो ऑनियन एवरीथिंग इज ऐड यार, सो फ्लेवरफुल, अमेजिंग है। लुधियाना में ना एज अ फूड ब्लॉगर मैंने बहुत जगह के आप लोगों ने देखा भी होगा छोले भटूरे जो टेस्ट करे हैं, बट ये जो टेस्ट है ना ये अभी तक सच बताऊं तो हमारे चैनल में मिसिंग था, जो आज ये भी पूरा हो गया है, मज़ा आ गया है सच में। नेक्स्ट हमारी जो बाइट है ना वो हम लेते हैं अपने आलू के साथ, तड़के वाले आलू हैं जो इनके यहाँ के। यहाँ पे आना सच बताऊं तो वर्थ हो गया, अमेजिंग वैल्यू फॉर मनी है। एक भटूरे की प्लेट जो है गाइस 60 रुपीस की है, इसमें जो आपको दो भटूरे मिलेंगे, बट मैंने अपने लिए यहाँ पे एक ही मंगवाया है। साथ में आपको मिलेंगे एकदम गर्मा गर्म फूले फूले जो है ना, ऊपर से प्रॉपर धनिया कसूरी मेथी लगाए हुए मज़ेदार से भटूरे, साथ में पूरे तड़के वाले चने और मसाले वाले आलू। फ्रेंड्स यहाँ पे प्रिपेयर हो रहे हैं अमृतसरी नान, हम अपने लिए लगवाएंगे मिक्स ऑफ अमृतसरी नान। ये गई हमारी फीलिंग अंदर, अरे वाह ये देखिए, ओह माय गॉड, हमारे आगे अमृतसरी नान, साथ में इन्होंने दिया बटर, अरे वाह यार। अमृतसरी नान के साथ यार बटर ना होना सच बताऊँ तो मज़ा नहीं आता है। थिंग इज ये जो अनियन रिंग वाली चटनी है ना, ये सिर्फ अमृतसर में मिलती है और ये लुधियाना में भी जो है सर्व करे, बड़ी अच्छी बात है यार। करते हैं हमने अमृतसरी कुलचा को टेस्ट, ऊपर देख लो प्रॉपर अजवाइन कसूरी मेथी सब कुछ लगाया हुआ प्रॉपर, देखो खोल के दिखाऊँ आप लोगों को, प्रॉपर मिक्स स्टफ्ड कुलचा है ये अमृतसरी। करते हैं इसको टेस्ट, बटर की लेते हैं बढ़िया सी एक बाइट यार। साथ में हमारे ये जो बेसिकली ना बिना तड़के वाले जैनी वाले चने हैं, करते हैं इसको टेस्ट। साथ में इनका ना हरी मिर्च का अचार, बोलते ना वो चीज़ होगी, बिकॉज मेरी इसमें थोड़ी सी मेरे को ज़्यादा लगी। आप लोगों को मैं डिफरेंस बताऊँ, जो मैंने भटूरे के साथ चने टेस्ट करे
और ये जो जैनी वाले चने इन दोनों में ये डिफरेंस है गाइस, पहले तो तड़के का, अदरवाइज जिस चने में तड़का ना लगाओ तो उसको वो टेस्ट नहीं आता है। बट ये जो उनके यहाँ पे ये चने हैं ना जैनी वाले, इसमें इन्होंने फ्लेवर्स इतने अच्छे ऐड करे हुए हैं ना, स्पाइसेस मसाले वगैरह, वो जो है ना तड़के की बिल्कुल भी कमी नहीं रहने दे रहे हैं। सो फ्लेवरफुल चना ही, सो क्रीमी, अमेजिंग। ये जो है ना हमारी अनियन रिंग वाली इमली खट्टी चटनी, दिस इज मस्ट ट्राई। यहाँ पे विजिट करते हो ना आप लोग तो ये जो है ना मस्ट ट्राई, अमृतसरी नान खाएं और लस्सी कैसी रह जाए यार, करते हैं लस्सी को भी टेस्ट। स्वीट लस्सी है, प्रॉपर मक्खन मलाई है, एक रिचनेस होती है ना क्रीमी क्रीमी सी, वो है अमेजिंग ना। यहाँ पे हम यहाँ के जो आए हुए ना उनसे जानते कैसे का लगा उनको यहाँ का टेस्ट और कब से आ रहे हैं। हेलो सर। हेलो, कितने टाइम से आ रहे हो आप यहाँ पे? जब से इनकी एक शॉप थी पहले, अब डबल हो चुकी है तब से आ रहे हैं। अच्छा, आपको टेस्ट कैसे का लगता है इनके? टेस्ट बढ़िया लगता है तभी तो आते हैं यहाँ पे। अरे वाह, यहाँ पे आके आपका एक्सपीरियंस कैसे का रहा? अमेजिंग रहेगा आई नो, कमेंट करके ज़रूर शेयर करना यार। अगर आप लोग मेरी कोई वीडियो देख के आते हो ना कमेंट करके बताया करो, हमें भी तो पता लगे। और हाँ, आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हो, लाइक कौन सी जगह से देख रहे हो, कौन सी सिटी से, यार कमेंट करके बताओ, हम भी थोड़ा सा खुश हो ले गाइस, हमें कहाँ कहाँ से प्यार मिल रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस लोकेशन का लिंक रहेगा मेरे डिस्क्रिप्शन में। वैसे ये जो है ना गिल रोड पड़ती है, न्यू दिल्ली छोले भटूरे वाले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।